सो गाइस, आज की इस वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में कुछ आप लोगों को ज्ञान देने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आज का वीडियो प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि आप जैसे स्क्रीनशॉट पर देख सकते हो मेरे चैनल पे अभी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम दोनों सेम चीज़ नहीं होता है। कॉपीराइट क्लेम से कुछ नहीं होता है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक से बहुत कुछ हो जाता है। सो गाइस, मेरे ये जो चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो कैसे आया है, क्यों आया है और किस बात का मैं जो अवार्ड नहीं था इसलिए मेरा चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है। मेरे जैसा बहुत न्यू यूट्यूबर ऐसा गलती कर बैठता है और उसके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, और ये स्ट्राइक अगर 90 डेज में अगर 3 बार आ जाए तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाता है, परमानेंटली आप रोक नहीं सकते हो। सो गाइस, ये जो मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो किस लिए आया है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा गलती कभी मत करो। सो गाइस, ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है मुझसे AI Plex प्राइवेट लिमिटेड से मुझे ये कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने किसी मूवी का या फिर किसी मूवी सीरीज़ का जो मैंने कैसे देखना पड़ता है, कैसे डाउनलोड करना पड़ता है उसके बारे में बताया था। इसलिए मेरा चैनल पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया, थोड़ा वायरल हुआ, उसके बाद मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है और वो वीडियो भी डिलीट हो चुका है। इसलिए मेरा कितना नुकसान हुआ पता है, मैं तो ये बात का अवार्ड नहीं था कि ऐसा करने के लिए मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो मैंने ऐसा 2-3 वीडियो बनाए। एक वीडियो में मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, वो वीडियो भी डिलीट हो चुका है और मेरा चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। तो मैंने ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है इसलिए मेरा 3-4 वीडियो डिलीट किया, जिसमें मेरा बहुत मतलब 20K 30K, मेरा तो छोटा यूट्यूबर हूँ और मेरा अगर 20K 30K व्यूज़ आता है तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ होता है। मुझे इस डर से सब वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसा वीडियो YouTube पे अपलोड किया था जहाँ पर मैंने मूवी सीरीज़ कैसे डाउनलोड करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, उसके बारे में मैंने बोला था। तो इससे मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। इस कंपनी क्या होता है कि ये कंपनी ये जो मूवी होता है इसको सिक्योरिटी देता है, इसलिए कोई अगर ऑनलाइन इस मूवी को कॉपी ना कर सके, चोरी ना कर सके, इसलिए ये जो AI Plex लिमिटेड कंपनी होता है वो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है कि वो सिक्योरिटी देता है उस मूवी को, क्योंकि वो जो मूवी है वो मूवी उस AI Plex कंपनी को पैसा दिया है कि मेरा जो मूवी है वो अगर ऑनलाइन में ना चोरी हो, इसलिए वो AI Plex कंपनी को पैसा देता है कि उसको सिक्योर कर सके। और वो कंपनी जो है सिक्योर करने के लिए जो उसका मूवी को देखने के लिए बोल रहा है या फिर पूरा मूवी क्लिप जो है अपने वीडियो पर दे देता है तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसा वीडियो कभी मत बनाइएगा। अगर आप बाई चांस अपने चैनल पर ये वीडियो बना चुके हैं तो प्लीज़ अभी डिलीट कर दो, नहीं तो आपका चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। और मेरा तो चैनल में भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, फिलहाल मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। क्यों डाउन चल रहा है पता नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक से तो चैनल डाउन नहीं होता, सिर्फ आपको वार्निंग दे देता है कि एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर आ चुका है, आप सुधर जाओ, नहीं तो और 2 स्ट्राइक दे देंगे तो आपका चैनल ही पूरा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड पे देख सकते हो, यहाँ पर मेरा चैनल पे एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक है, यहाँ पर 3 of 1 मतलब यहाँ पर 3 में से एक कॉपीराइट स्ट्राइक अभी तक आया है मेरे चैनल पे। और यहाँ पर देख सकते हो नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है इफ़ यू गेट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक विल बी सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन, मतलब और 2 अगर मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस, कुछ यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि ऐसा कुछ अब मूवी वगैरह कुछ सीरीज़ वगैरह वेब सीरीज़ वगैरह मूवी वगैरह कुछ अब अपने चैनल पर मत डालो, कैसे वॉच करना पता है या फिर पूरा क्लिप ही मत डालो। तो गाइस, यही था कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। और अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मुझे DM कर सकते हो, नीचे लिंक है वहाँ पर आप जाकर इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। और आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी आप नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो वो करते हैं दी एंड।